तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि रेड बुल ड्रिंक कैसी उसकी मार्केटिंग करती है। तो अगर आप कॉलेज जाते हो या किधर भी जाते हो तो आपको मालूम होगा कि रेड बुल वाले आते हैं, आपको फ्री में रेड बुल देते हैं, आपको लगता है कि उससे उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो उससे एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, बल्कि आप जब पी के फेंक देते हो रस्ते पे या डस्टबिन में, तो उन लोग वो जगह वाले को पैसे देते कि इसको उठाना नहीं एक हफ्ते तक। लोग आके देखते कि एक हफ्ते तक वो रेड बुल ड्रिंक यहाँ पर पड़ी है, तो लोग और एडिक्ट हो रहे और इसको पीते जा रहे। मतलब ये इतनी अच्छी ड्रिंक है की वजह से एक नहीं बल्कि 100 लोग वो ड्रिंक्स खरीदने लगते हो, पीने लगते हो, वापर ही फेंकते हो। वो एक हफ्ता पूरा उन लोग की मार्केटिंग फ्री में होती है। यही नहीं बल्कि जो बार्स और नाइट क्लब्स है उसके बाहर जाके उन लोग कैंस फेंक देते हैं, और जैसे लोग निकल के देखते डस्टबिन में फेंकने के लिए कि भाई ड्रिंक से ज्यादा तो रेड बुल बिकती है, तो इससे अच्छा रेड बुल पियो, तो लोग भी रेड बुल पीने लगते। ये उन लोग की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है।